सो वेलकम स्टूडेंट्स, सो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दो इनइक्वालिटीज दिया एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। इसका मतलब कौन सा एक्स के लिए दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो एंड दिस एक्सप्रेशन विल बी लेस देन जीरो। सो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। सो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को हम फैक्टराइज किया तो इट विल बी एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, एंड इसको फैक्टराइज किया तो आपको x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। सो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के बारे में आपको क्या पता है? व्हेन यू हैव क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ग्रेटर देन जीरो, x लाइज आउटसाइड द रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लेस देन जीरो है तो x लाइज बिटवीन द रूट्स। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका रूट्स वन एंड टू है, सो x हैज टू लाइ आउटसाइड वन एंड टू। सो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन टू टू, एंड इसका सोल्यूशन क्या है? दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, सो एक्स शुड लाई बिटवीन द रूट्स, एंड इसका रूट्स आर माइनस वन एंड फोर, सो एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड माइनस वन टू फोर। क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि इक्वालिटी भी है। सो नाउ आई नीड टू फाइंड द साइमल्टेनियस सोल्यूशन। इसका मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बोथ ऑफ देम शुड हैपन। सो वी नीड टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सोल्यूशंस। सो लेट अस प्लॉट दिस सॉल्यूशंस ऑन ए रियल नंबर लाइन। सो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है? वन एंड टू। सो वन एंड टू को छोड़ के बाकी सारा रियल नंबर्स, ठीक है। सो इफ आई ड्रॉ दिस सॉल्यूशन ऑन ए नंबर लाइन, सो दिस इज हाउ दिस सॉल्यूशन लुक्स लाइक। एंड लेट अस ड्रॉ द नेक्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन क्या है? माइनस वन एंड फोर के बीच में। सो माइनस वन विल बी समवेयर हियर and 4 will be somewhere here, and my answer lies between minus 1 and less 4. Okay, closed. So what is the common solution? Iska matlab hai, what is the values of x that satisfy both the answers? So kya hoga? X belongs to minus 1 se leke 1 tak, say. So minus 1 closed kyunki minus 1 dono mein hai, 2 1 open kyunki in the first equation one is not there, in the first inequation one is not the answer. So minus 1 se leke 1 tak ho sakta hai, closed minus 1 se open 1, or yahan open 2 se leke closed 4 ke beech mein x ho sakta hai. So this is the simultaneous solution to these two inequations. Thank you.